ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम डॉक्टर प्रेन्योर्स में। आज हम बात कर रहे हैं रेडीनेस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हमारा ब्रेक हुआ उससे पहले हमको ये समझ में आया, जो हमारे एमिनेंट गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनने बताया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरत है इस समय। हमारे साथ लगभग 30 से ज़्यादा डॉक्टर जुड़े हुए हैं जूम के ज़रिए। अब जिसको सवाल पूछना है वो अपना हाथ खड़ा करे, मैं नाम लूँगा। डॉक्टर अनीता गर्ग जी पूछिए, क्या आप जानना चाहती हैं? आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा सवाल रजत गर्ग जी से है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जो इनकी ऐप पे टेली कंसल्टेशन आती है वो मोस्टली किस तरह की बीमारियों के बारे में आती है? 60% जो है वो एक्यूट केयर है, कि दर्द है किसी तरीके का या खांसी जुकाम बुखार पाइल्स, इस तरह के 60% इसी तरह के इश्यूज हैं जो इमीडिएट उनको कुछ दवाई का पता करना है कि क्या करा जाए। 35% के करीब मिड टर्म केयर टाइप का कह सकते हैं, स्किन इश्यूज हैं, हेयर फॉल, हेयर लॉस, सेक्सुअल इश्यूज, विमेन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, वो 35% है। जो ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ते का डोज ले लो और ठीक हो जाएगा, आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म केयर चाहिए। और 4-5% है जो क्रॉनिक टाइप के इश्यूज हैं। बट हाँ, जो हमारे यहाँ पर ये है कि हमारे डॉक्टर 20% केसेस में ये कह देते हैं कि भाई आपको क्लिनिक जाना पड़ेगा, तो 80% केस का हम लोग ऑनलाइन कर पाते हैं। बट बाकी 20% केस में अगर डॉक्टर कंफर्टेबल नहीं होता वो कह देता है कि आपको ऑफलाइन जाके क्लिनिक पे जाके चेक कराना ज़रूरी है, तभी वो हो पाएगा। मेरा नाम डॉक्टर संजय टुटेजा है, आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट। एक पेशेंट ने मुझे कंसल्ट किया और उसको मैंने टेस्ट एडवाइस किए, उसने एक हफ्ते तक मुझे कोई कंसल्ट नहीं किया। एक हफ्ते के बाद मुझे फोन आता है कि डॉक्टर मैंने एक घंटा हो गया, मैंने आपको अपलोड किए हैं टेस्ट व्हाट्सएप पे, आपने अभी तक नहीं देखे, आप कैसे डॉक्टर हो, मतलब इस तरह की बातें वो लेडी करने लग गई। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ लीगली इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, कि अगर कोई डॉक्टर 2-3 दिन उसको नहीं देख पाता तो क्या वो लीगली उसके लिए लायबल होगा? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये पहले भी ये सवाल आया कि जो हम टेली कंसल्टेशन करते हैं उसमें उसका लीगल पॉइंट क्या है। मैं चाहूँगा कि तीनों इसमें अपनी बात बताएं। डॉक्टर सुजीत, आपसे मैं शुरू करूँगा कि इसका लीगल क्या हो सकता है? जी, तो एक्चुअली लास्ट मार्च तक जब हमने अपना टेली मेडिसिन शुरू किया तो सब कुछ ही इलीगल था। देर वर नो गाइडलाइंस, कुछ भी आप, यू आर नॉट अलाउड टू सी अ पेशेंट ऑनलाइन या टेलीफोन पर, कुछ भी नहीं कर सकते थे। बट अब गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर टेली मेडिसिन गाइडलाइंस दी हैं और उसमें सब कुछ क्लियरली लिखा है। और डॉक्टर साहब, आप रेस्ट अश्योर्ड रह सकते हैं कि व्हाट्सएप पर अगर आपको कोई रिपोर्ट भेज रहा है और आप नहीं देख रहे तो आपको कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है उसमें। बिल्कुल लीगल लायबिलिटी सिर्फ तब तक जाती है जब आप कोई दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं और या तो बिना देखे, आपके पास एक ही लिस्ट है दवाइयों की वही दे सकते हैं, आपके कोई क्रॉनिक पेशेंट हैं जो दोबारा आ रहे हैं आपके पास ऑनलाइन तो उनके लिए एक अलग लिस्ट है, वो दवाइयाँ दे सकते हैं। तो इसमें लीगली बहुत क्लियर है। मैं चाहूँगा कि सारे डॉक्टर्स उन टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस को पढ़ें और उसमें गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सफाई से लिखा हुआ है। जी, आपको क्या लगता है ये चैलेंजेस हैं जो समय के साथ दूर होंगे? समय के साथ तो देखो ये सारे ही चैलेंजेस दूर होंगे। अब इसमें दो पॉइंट हैं। एक तो हमारा यूज़र जो है वो ट्रेंड नहीं है, वो पहली बार टेली कंसल्टेशन ले रहा है और वो अब क्या है, चैट मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, जैसे गर्लफ्रेंड को किया, गर्लफ्रेंड ने 2 मिनट बाद जवाब दे दिया तो वो सोचते हैं डॉक्टर भी ऐसे ही फ्री बैठे हुए हैं, वो 2 मिनट में जवाब दे देंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आती है। अब हम लोगों ने तो बेसिकली डॉक्टर का नंबर शेयर नहीं करते, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ही करते हैं, डॉक्टर्स को नोटिफाई करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर व्हाट्सएप की जगह अगर आप कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, कोई ऐप यूज़ करेंगे, माय उपचार करें या कोई और करें, जिसमें ये सारी फीचर्स बिल्ट इन हैं, तो आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। और दूसरा, टाइम के साथ ये यूज़र्स ट्रेन हो जाएंगे कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अभी बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार ऑनलाइन आए हैं, खासकर गाँव और देहात वगैरह में। तो मेरे हिसाब से एक सिचुएशन 2-3 साल की बात है कि सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बट हाँ बीच में थोड़े पेन्स आएंगे। जी, यूज़र ट्रेंड नहीं है, कई डॉक्टर्स भी ट्रेंड नहीं होंगे क्योंकि छोटे, इतना बड़ा शहर है
तो आप जैसी जो संस्थाएं वो इसीलिए हैं कि इनकी मदद करें इनको ट्रेन करने में, कुछ इस तरीके के प्रोग्राम आप चलाते हैं जिससे कि डॉक्टर साहब की जो सवाल यहाँ पे आए वो उनका जवाब उनको मिल सके? डेफिनेटली हम लोग सबको कोविड के टाइम पे तो सबको बोला गया था आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हो, और उसमें लीगल हैसल्स तो आई थिंक कोविड जो पैंडेमिक होता है तो उसमें आई थिंक लीगल ऑप्शंस में भी गवर्नमेंट भी थोड़ी लीनियंट होती है, क्योंकि आप पेशेंट को देख नहीं रहे हो, आपको एक्चुअल साइन एंड सिम्टम्स पता नहीं होते हैं, और डॉक्टर की अगर जिम्मेवारी पेशेंट मानता है तो हम चाहते हैं पेशेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर डॉक्टर साहब ने आपको टेस्ट लिखे हैं तो आप एक नहीं दो दिन में करवा लीजिए, एक हफ्ते के बाद आप टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद आप उनको व्हाट्सएप करते हैं, तो आप एक कर्टसी कॉल कर दीजिए कि डॉक्टर साहब मैंने एक रिपोर्ट भेजी है, आप प्लीज़ देख लीजिए। डॉक्टर साहब का बिल्कुल ठीक मानना है, हमारे पास कई बार इतने ग्रुप्स होते हैं, इतने मैसेजेस होते हैं, तो हम उन मैसेजेस को नहीं देख पाते हैं, तो इसमें उन पेशेंट को भी चाहिए था कि एक कॉल कर लें, और डॉक्टर साहब मे भी उनको कह देते रिपोर्ट देख के कि आप आ जाइए पर्सनल दिखाने आ जाइए। तो दोनों को ही ज़रूरत है सीखने की, डॉक्टर्स को भी डेफिनेटली, डॉक्टर्स अपने काम में इतने बिजी थे, उनके लिए भी एक नया चीज़ है टेली कंसल्टेशन करना और पूरा सेटअप करना और टाइम निकालना, सबसे बड़ी बात है इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालना। ड्यूटीज़ होती हैं पेशेंट, जैसे सर पीडियाट्रिशियन है उनकी 24 आवर जॉब है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं 24 घंटे की जॉब है उनकी, तो इन ब्रांचेस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टेक सेवी होना, तो बट आई थिंक हमारे डॉक्टर सीख रहे हैं और सीख जाएंगे इस चीज़ के लिए। डॉक्टर शिप्रा गुप्ता आप अपना सवाल पूछें। माय क्वेश्चन इज ओपन टू एंटायर पैनल, पर्टिकुलरली डॉक्टर सुचित मिजाज माय कॉलेज सीनियर, हाउ कैन वी इनकॉर्पोरेट रेडियोलॉजी इन टेली कंसल्टेशन एंड आर देयर एनी गाइडलाइंस, पर्टिकुलर गाइडेंस गिवन बाय गवर्नमेंट फॉर दिस? तो देखिए टेली रेडियोलॉजी एक बहुत एस्टैब्लिश्ड फील्ड है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ड्यू टू लीगल लाइबिलिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अल्ट्रासाउंड है वो हम टेली नहीं कर सकते, यहाँ अलाउड नहीं है कि कोई टेक्नीशियन अल्ट्रासाउंड कर लें और डॉक्टर उसको एक जगह बैठ के इंटरप्रेट कर लें, बट सीटी स्कैन एक्सरे एमआरआईज़ जो भी स्टैटिक इमेजिंग प्रोसीजर्स हैं एक्सेप्ट फॉर अल्ट्रासाउंड एकोकार्डियोग्राफी वगैरह तो वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, उनके गाइडलाइंस क्लियरली इस्टेब्लिश हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में हैं जो विदेशों की भी रेडियोलॉजी को टेली रेडियोलॉजी इंटरप्रेट करके उनकी रिपोर्टिंग करते हैं, सो आई थिंक उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रजत जी आप अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो? नहीं, मेरी वाइफ खुद रेडियोलॉजिस्ट हैं तो टेली रेड तो काफ़ी इस्टेब्लिश प्रैक्टिस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सिर्फ डिमांड और सप्लाई और बीच का नेटवर्क बिल्ड करने की कहानी है। अभी ऑलरेडी काफ़ी जगह ये हो रहा है कि लैब्स खुली हुई हैं और उन डायग्नोस्टिक सेंटर में रेडियोलॉजिस्ट है नहीं, तो वो सब टेक्नीशियंस रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं चेक करके उनको रिपोर्ट करते हैं, तो इसमें तो एक्चुअली अच्छे प्लेटफॉर्म्स और अगर इंडिया फोकस डेवलप हो जाए तो और ग्रोथ होगी जी। तो मेरे ख्याल से अगर अल्ट्रासाउंड के बारे में अगर गवर्नमेंट कुछ भी कर पाएगी तो ये फिर एक बहुत बड़ा बूम आएगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक ऐसी बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जिसके बिना बहुत सारी चीज़ें मिस होती हैं और वो अनफॉर्चुनेटली बिना डॉक्टर के उसी कमरे में बैठे हुए हम अभी तक नहीं कर सकते हैं, और वो टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है, वो लीगल लाइबिलिटीज़ की वजह से जी। डॉक्टर हरजीत वांटेड टू आस्क समथिंग। मेरा नमस्कार, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, इसी प्लेटफॉर्म के बारे में फेवर में मैं कुछ अपने ख्याल रखना चाह रही थी कि बहुत ज़रूरी है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म ऑपरेट हो जो डॉक्टर्स मैनेज करते हैं। अभी तक बहुत टेली कम्युनिकेशन टेली ट्रीटमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक प्रैक्टो एंड अपोलो एवरीथिंग, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन दैट बिकॉज दे आर नॉट बींग मैनेज्ड बाय डॉक्टर्स, तो उसमें जो ये छोटी छोटी सी पेशेंट के फेवर में जो कमर्शियल एंगल होता है इन कंपनीज का, उससे डॉक्टर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइक आई शेयर किसी पेशेंट के साथ टेली ट्रीटमेंट में द लास्ट मैसेज वॉज पुट बाय द पेशेंट सेइंग थैंक यू एंड प्रैक्टो केप्ट मी कॉलिंग अगेन एंड अगेन, दे वर नॉट नोइंग कि वो थैंक यू लिखा हुआ है, उन्हें लगा कि पेशेंट की कुछ क्वेरी है जो डॉक्टर आंसर नहीं कर रही है, एंड आई वॉज इन द मिडिल ऑफ माई रिसर्सिटेशन प्रोसेस ओपीडी, वो बार बार प्रैक्टो से फोन आ रहे हैं कि आपने पेशेंट की क्वेरी सॉल्व नहीं किया, आपने पेशेंट की क्वेरी तो व्हाटएवर मॉड्यूल इज मेड इट शुड दीज ऑल थिंग्स कीपिंग इन माइंड कि डॉक्टर को जब टाइम मिलेगा और ये फॉर्मेलिटीज डॉक्टर्स के ऊपर कि आप पेशेंट के थैंक यू को भी रिस्पॉन्ड करिए, आई वाज रियली आई जस्ट टुक मायसेल्फ बैक फ्रॉम प्रैक्टो आफ्टर दिस एंड मैं बहुत जरूरी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां डॉक्टर्स के डेली शेड्यूल्स और उनके बिजी रूटीन्स को देख के
एक उनके एक्सपेक्टेशन का मॉड्यूल बनाया जाए। बिल्कुल, माय उपचार जो एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म चलाते हैं, हमारे साथ रजत जी जुड़े हुए हैं। रजत जी, आप बताइए कि ये पहले भी बात आई थी कि क्या आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर का काम है वो अपना काम जानता है, तो वो डॉक्टर ही मेहनत करना चाहिए या ऐसा जरूरी नहीं है, या कैसे सोल्यूशन होगा इसका? देखिए, ऐसा है कि अगर मैं तो इंजीनियर हूँ, तो लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम मैडम बता रही हैं वो सही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हेल्थ केयर की बारीकियों को नहीं समझेंगे तो आप प्रॉब्लम को ठीक तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हमारे यहाँ डॉक्टर्स की इंटरनल टीम बैठी हुई है जो सारे मैसेजेस को, सारी चीज़ों को लगातार रिव्यू करती है और उस चीज़ को के बेस पे टेक्निकल फीडबैक देती है कि भैया आपके प्रोडक्ट में ये गलती है, ये सही है, इसको सुधारो। तो वो ही डिसाइड कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, चाहे वो थैंक यू मैसेज की प्रॉब्लम हो या डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया या पेशेंट ने जवाब नहीं दिया। अब जैसे एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो पहले डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि पेशेंट ने 7 दिन बाद जवाब दिया, अब कह रहा है 1 घंटे में जवाब दो। तो डॉक्टर को भी कैसे पता चलेगा ना कि कितनी प्रायोरिटी है। अब ये तो टेस्ट की बात थी, वैसे भी कई केसेस में होता है कि 4 घंटे बाद जवाब दे रहे हैं, आप 5 मिनट में जवाब दो उनको। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके अलग अलग सॉल्यूशन हैं जो हम भी डिज़ाइन कर रहे हैं कि भाई चैट की जगह अगर इस तरह का कुछ केस है तो क्या उसे कॉल पे एस्केलेट कर दें कि जिससे वो एक साथ ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या वीडियो पे एस्केलेट कर दें जिससे वो अगर स्किन का इशू है तो वो वीडियो पे देखा जाए। तो किस तरह से वो चीज़ें एस्केलेट की जाएं या कम्युनिकेशन मीडियम बेटर किया जाए जिससे वो लोग आपस में ठीक तरह से प्रॉब्लम का समाधान कर पाए। अल्टीमेटली यूज़र और डॉक्टर में जो फेवरेटिज्म की बात है प्लेटफॉर्म की, तो हमारा ये मानना है कि यूज़र रहेगा तभी डॉक्टर की नीड है हमारे प्लेटफॉर्म पे। अगर यूज़र ही नहीं है तो फिर हम डॉक्टर को भी रख के क्या करेंगे। तो हॉस्पिटल सेटिंग में क्या होता है ऑफलाइन में कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल से जुड़ते हैं तो पेशेंट आते हैं, उनके नाम पे आते हैं। लेकिन हम ये सब, हमारा ये मानना है कि जैसे अब मैक्स की ब्रांड है या अपोलो हॉस्पिटल की ब्रांड है, मेदांता की ब्रांड है, तो अब ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर डॉक्टर हैं उन सबको लोग जानते हैं, बट लोग उस ब्रांड को जानते हैं, उस ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं। उसी तरह से प्लेटफॉर्म्स पे भी धीरे धीरे लोग ब्रांड को क्वेश्चन कर रहे हैं, ब्रांड को ट्रस्ट कर रहे हैं। तो अगर उसके पैसे लिए हमने, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसका सोल्यूशन मिले जी। चाहे वो कैसे भी मिले, लेकिन वो मिले। तो कई बार डॉक्टर साहब का वो लेते हैं अपॉइंटमेंट, डॉक्टर साहब 12 घंटे तक नहीं आए, तो पेशेंट ऑनलाइन वाला नहीं वेट करेगा, वो तो उसी समय जवाब चाहता है, इसीलिए वो पे कर रहा है। अब कई प्रॉब्लम्स हैं, क्लिनिक्स पे जाते हैं, क्लिनिक्स पे टोकन सिस्टम होता है, वो पेशेंट जो है सुबह 10 बजे का टाइम लेकर गया है, वो 10 बजे वहाँ पहुँचता है, उसे टोकन मिल जाता है नंबर 40 का। अब वो ऑनलाइन आके गाली देता है कि कैसा प्लेटफॉर्म है आपका, वहाँ तो 12 बजे मेरा टाइम आया। तो कई सारी इश्यूज़ हैं, डिमांड सप्लाई के गैप हैं कि वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है जी। तो ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। आई थिंक डॉक्टर और पेशेंट दोनों मिलके और प्लेटफॉर्म ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के साथ काम करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व होंगी। बट आई थिंक दोनों ही तरफ हो ठीक। तो डॉक्टर सुजन, क्योंकि आप तो डॉक्टर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर ही मैनेज करें, तो नई तकनीक में या नए डिजिटल की जो हम बात कर रहे हैं उसमें आपको लगता है कि जरूरी है कि डॉक्टर ही मैनेज करें, नहीं कि बिना डॉक्टरों के भी हो सकता है, जैसे कि रजत जी डॉक्टर नहीं है लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं? देखिए, हम डॉक्टर्स की एक ये कमज़ोरी है कि हम किसी और को कुछ समझते नहीं अपने आगे। तो डॉक्टर्स को लगता है हम, अब देखिए ये वैलिड भी है, जो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल में टॉपर होते थे, एंट्रेंस एग्जाम टॉप किया, वही डॉक्टर बने, तो उनको लगता है कि हम सबसे समझदार हैं, अगर हमसे ये कुछ चाहिए तो हमें ही बताना चाहिए इनको। पर आई थिंक कि इंजीनियर्स भी बहुत समझदार हैं, सीटी स्कैन, एमआरआईज, ये कैथ लैब सब इंजीनियर्स ने बनाई, डॉक्टर्स ने नहीं बनाई है। तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स आई थिंक वो भी इंजीनियर्स ने बनाए हुए हैं और बहुत मेहनत करके वो सॉल्व कर रहे हैं, तो जिसका काम उसी को साजे। तो प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ चीज़ें मैंने देखा है, बहुत शुरू से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, बहुत सारी हेल्थ टेक कंपनीज़ में मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ। हाँ।
तो काफ़ी वो चेंज करते रहते हैं। डिज़ाइन थिंकिंग एक प्रोसेस है जो बहुत डीपली फॉलो करते हैं लोग, डॉक्टर से बात करते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। तो अगर आप देखिए मोस्ट प्लेटफॉर्म्स पे, अगर आप देखेंगे अपॉइंटमेंट सिस्टम में, पेशेंट को अभी अलाउड ही नहीं है कि वो कॉल इनिशिएट कर सके कि आपने अपॉइंटमेंट ले ली लेकिन अब आप वेट करिए कि डॉक्टर आपको कॉल करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर कोई इमरजेंसी में हो या ऑपरेशन कर रहे हो या कहीं फंस गए हो, तो आप उनको फ़ोन करते रहेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। बट एक ये बैक एंड हो गया है कि अब वो पेशेंट नहीं कर सकता है तो वो खुद ही करते हैं कि आप फ़ोन कर लीजिए डॉक्टर को। तो ये सब चीज़ें हैं, ये पेन पॉइंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे सॉल्व होगा। इंटरमीडियरीज जो दोनों तरफ का ही उन्हें पासा तो बराबर रखना पड़ता है, क्योंकि ये इंटरमीडियरीज हैं, ये ऐसा भी नहीं कर सकते कि सब कुछ डॉक्टर के फेवर में कर दें फिर इनके पेशेंट्स चले जाएंगे, सब कुछ पेशेंट के फेवर में किया तो डॉक्टर्स चले जाएंगे, तो ये बैलेंस तो बना बैलेंस बनाना पड़ेगा। एक सवाल मैं और लूंगा, डॉक्टर भारती शर्मा, मेरा कंसर्न सिर्फ ये कि जो ये हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हमने अभी तक यूज किया, इसमें कई जगह पर अभी जैसे मैनकाइंड कंपनी थी, मैनकाइंड कंपनी ने एक ऐप लाई जिसका नाम द्रोणा था, एंड दे प्रमोटेड इट वेरी एग्रेसिवली, बट somehow, and mankind has a very good distribution network of the MRs, and they approach most of the doctors. I think most of the doctors present here were approached by the mankind company people, and they were offered the free subscription of the drone. But when the people tried using that, there's so many glitches from the payment part, from the reminder part. The reminder was not coming to the doctor about the appointment. Sometimes the patient was not getting the reminder. Sometimes the payment was made, but call was not initiated. And so these hiccups hampered this the growth penetration of the technology. Whenever the app is launched, it should be glitch free. Doctor, if a appointment is made, doctor should get the reminder at the right time. Yeah. Patient should be reminded at the right time. And we need to sensitize the users, patients, that you never post a query, post a request to the fire brigade. Whenever there's a fire breakout, you need to rush, you need to call the fire brigade. So what the most people don't realize that many people many situations are not suitable for the teleconsultations. They may be underestimating the risk of that. So they need to understand that certain things like chest pain, certain thing your child is choking, certain thing that your child is having seizure, there's no point in requesting appointment on the tele app consultation, and you may be losing a very precious time. जी जी, बिकॉज वंस वी प्रमोट दिस टेलीमेडिसिन, पीपल मे बी मे फॉल इनटू द फॉल्स रीअश्योरेंस दैट एवरीथिंग इज ट्रीटेबल ऑन द टेलीमेडिसिन फ्रंट, इट इज नॉट। जी डॉक्टर शर्मा, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमने एक ये प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम कितने तैयार हैं या हम कितने रेडी हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यही बस मैं अंत में आप सबसे इसमें छोटा छोटा पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके की समस्या उन्होंने बताई, तो डॉक्टर सुजन आपको क्या लगता है कि क्या अभी हम फॉर्मेटिव उसमें हैं, धीरे धीरे ये सब समस्याएँ दूर हो जाएंगी? देखिए एज अ डॉक्टर मैं यही कहूँगा कि अभी हम फर्स्ट ईयर MBBS में हैं, तो अभी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब ऐप लॉन्च जब हो तो ग्लिच फ्री होनी चाहिए, रिमाइंडर्स भी जाने चाहिए, पेमेंट भी स्मूथ होने चाहिए। तो वैसे ही है कि अगर हम पेशेंट का इलाज करें तो हर पेशेंट 2-3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, बट वो नहीं होता है। तो ऐसा ही टेक्नोलॉजी के साथ है, टेक्नोलॉजी को टाइम लगता है, मैच्योर होने में टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें आइट्रेट करनी पड़ती हैं डेली। तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वॉलंटियर करता हूँ जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टेप वन, जो कि कोविड के लिए ऑनलाइन चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरह है, जिसमें हर डॉक्टर फ्री में काम करता है, वॉलंटियर करता है, और बहुत सारे टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड उसका है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो जब हमने शुरू किया तो हम रोज़ सुबह 8 से 8 तक पेशेंट्स को कॉलिंग करते थे और रात को 8 बजे बैठते थे ग्लिचेज सॉर्ट आउट करने के लिए, जो सुबह 4-5 बजे तक रोज़ होते थे। और वो टेकीज़ इतने सिंसियर थे, इतने वो खुश मिजाज थे कि रात भर बैठ के वो हमारी प्रॉब्लम सुनते रहते थे और उसको सॉल्व करते रहते थे ताकि अगले दिन वो सेम प्रॉब्लम ना आए, बट अगले दिन नई प्रॉब्लम्स आती थी। तो ये इसी तरह है जैसे हमने मेडिसिन पढ़ी, दिन रात मेहनत की, फिर भी हमें 10 साल लगे, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अक्कल कम थी या हमें बहुत टाइम लगा, वो लगता ही है उतना टाइम। तो टेक्नोलॉजी को भी लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली आई एम श्योर कि इसके अलावा बहुत कम ऑप्शंस हैं। अगर हम कहेंगे कि नहीं टेक्नोलॉजी लेनी ही नहीं है,
तो मुझे लगता है फिर वो वैसा ही हो जाएगा कि हम कहें हमें एक्सरे करना ही नहीं है, हमें अल्ट्रासाउंड करना ही नहीं है, हमें सीटी करना ही नहीं है, हम बस मरीज को देख के ठीक कर लेंगे। इम्पॉसिबल है। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी के बिना काम करना डॉक्टर्स के लिए इम्पॉसिबल है। प्रोजेक्ट स्टेप वन बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। डॉक्टर पुनीता जी, आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप डॉक्टरों के साथ काम करती हैं तो ये जो हिकअप्स हैं धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी तो ज़रूरी है। डेफिनेट टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने देखा जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं सारी वर्चुअल हुई हैं, इवन सेलिब्रेशंस भी हमने वर्चुअल करी हैं। तो अगर वर्चुअल प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम सेलिब्रेशन, जैसे डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन था, हमारा चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन था, इवन लोहड़ी वगैरह जैसे फंक्शन जो हमने सबने दिवाली वर्चुअल करा है, अपने घर वालों से राखी, रक्षाबंधन जैसे फैमिली को हमने जोड़ा है, बच्चे दूर बैठे थे यूएसए में नहीं आ सकते थे, उनसे वर्चुअल हमने वीडियो कॉल करा है। तो ये मस्ट एंड मस्ट है, हमें धीरे धीरे सबको सीखना चाहिए। डिनाइल मोड में रहेंगे तो हम प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते हैं। तो हमारा काम ही है प्रोग्रेस करना, तो हमें अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज हमने देखे छोटे छोटे बच्चे हमसे आगे निकल गए हैं। तो हमें सबको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, आप कभी कुछ सीख सकते हो। ये नहीं कि आप अपने छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन से नहीं सीख सकते हो, तो उनको वो भी सिखाते हैं। तो वी शुड बी अपडेटेड, और हमें सब कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये टेली कंसल्टेशन वर्चुअल प्लेटफॉर्म सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि फर्स्ट ईयर में है MBBS के, तो क्या पूरा 10 साल ही लगने वाला है कि ये शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसमें हम जल्दी से इसमें पार पा जाएंगे? नहीं नहीं, जल्दी होगा। मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी की जो स्पीड है इस समय काफ़ी तेज़ है चेंज होने की। अभी ये जैसे डॉक्टर शुचिन 5G के बारे में बात कर रहे थे, इसके चलते EICU, रोबोटिक सर्जरी, आपका OPD भी ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से अगले 2-3 साल काफ़ी बदलाव लाने वाले हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, जो पिछले दशकों में नहीं हुआ जैसे ये बोल रहे थे, वैसे वो अगले कुछ समय में हो जाएगा। तो डॉक्टर्स को ट्रेन होना होगा, पेशेंट को ट्रेन होगा। जी, तो पूरी चर्चा में से निकल के ये आया, जो हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हैं और जो हमारे मेहमान स्टूडियो में हैं, कि टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हम तैयार भी हैं, और थोड़ी बहुत जो तैयारी करनी है उसके लिए सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर सुचिन बजाज हों या रजत जी हों या डॉक्टर पुनीता जी हों या जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ इस शो में जुड़े। आज इस प्रोग्राम में हमने ये समझने की कोशिश की कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो टेक्नोलॉजी के लिए कितने तैयार हैं, या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो कितने तैयार हैं। तो जो निकल के आया कि डॉक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं और बाकी जो मरीज हैं या जो यूज़र्स हैं उनको भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, एक पेशेंस रखना पड़ेगा कि वो इस नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में जबकि हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो किस तरीके का व्यवहार करें या किस तरीके से उसको मैनेज करें। TV9 नेटवर्क की खास पहल डॉक्टर प्रेन्योर्स में आज बस इतना ही।